हो गया क्या? हाँ दीदी हो गया, ये लीजिए। कितने पैसे हो गए आपके? एक प्लेट आपने खाया, एक प्लेट पैक करवाया, 100 रुपए हो गए दीदी। 100 रुपए? हाँ जी। मेरे पास तो सिर्फ 85 ही रुपए हैं। अब तुम एक काम करो, ये रख लो। दीदी ये क्या दे रही हैं आप? ये नोट तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये मोदी जी ने नोट नया बनवा दिया है क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये ना दूसरे देश का नोट है। तुम अभी रख लो, मेरे पास यही है, बाकी पैसे नहीं है मेरे पास। चलो मैं चलती हूँ, काफी लेट हो रहा है। अरे पर दीदी ये नोट अगर विदेश का है तो यहाँ कहाँ चलेगा, इसे कौन लेगा भला? देखो अभी तो मेरे पास यही था, कोई ना कोई ले ही लेगा। चलो मैं चलती हूँ। चलो ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। एक बिरयानी लगा दूँ? जी भाई। ये लीजिए भैया, हो गया आपका एक प्लेट। भैया खुले नहीं है क्या? मेरे पास भी नहीं है खुले। भैया वो क्या है ना कि सुबह से ठीक से हमारी बोनी नहीं हुई है, तो ये मैडम जी ने दिया था एक नोट, ये है आप ये ले लीजिए। पर ये तो हमारे देश का नोट ही नहीं है। हाँ वो मैडम जी बता रही थी कि किसी पता नहीं कौन से देश का है, तो आप ये रख लीजिए, काम आ जाएगा यहाँ पे, वो कह रही थी। बात ये नहीं कि ये सिर्फ एक नोट है, बात ये है कि इसकी कीमत ना हमारे देश के अकॉर्डिंग 7 से 8 हजार रुपए है। क्या भैया 7 से 8 हजार? क्या मजाक कर रहे हैं भैया? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर ये कीमत तुम्हें चाहिए ना तो तुम्हें करेंसी एक्सचेंज जाना पड़ेगा। बट तुम इतनी भाग दौड़ करोगी भी कैसे? एक काम करो, तुम ना मेरे से 5 से 6 हजार रुपए ले लो और 2-3 हजार मेरी भी कमाई हो जाएगी। इसके बदले आप मैं 5-6 हजार रुपए देंगे? हाँ ये एक काम करो, ये 6 हजार तुम रख लो। अरे वाह भैया ये तो गजब ही हो गया, हमको नहीं मालूम था कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। चलो ठीक है मैं चलता। ठीक है भैया धन्यवाद। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारा दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे पैसे दिए ताकि मैं उसके पास पैसे लेके जाऊं और उसको दे दूं, ठीक है? फिर वही नोट तुम उसके पास से लेके आ गए और उसके बदले तुम इतने सारे पैसे दे के आ गए उसको। क्या पैसे वैसे फ्री में आ रहे हैं? पैसे वेस्ट करने थे मुझे ही बता देते। अच्छा मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास जेब में एक भी पैसे नहीं होते, तब तो तुम मुझे कह देते हो एक भी पैसा नहीं है, और उसको 6-7 हजार रुपए ऐसे ही दे के आ गए। हाँ चल क्या रहा है? अरे मैंने वेस्ट नहीं किया यार, मैंने उसकी मदद की है। अच्छा तुमको कैसे पता कि उसको मदद की जरूरत थी? अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने उसे कॉल पे बात करते हुए सुना। बोलो। हेलो माँ। हाँ माँ। माँ आप फिक्र मत कीजिए, भिंडिया की दवाइयाँ आ जाएंगी। एक मिनट रुको मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। वो बस इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, आपको तो पता ही है ना ठेले का भी कितना खर्चा होता है, उसी में ही चला गया सब। हाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब फिक्र मत कीजिए, देखिएगा हमारी विंध्या फिर से दौड़ने लगेगी। हाँ माँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ध्यान रखिए। इसलिए मैंने तुम्हें वो डॉलर दिया कि तुम जाके उसे दो और मैं उससे वो डॉलर लेके बदले में उसे पैसे दे दूं जिससे कि उसकी मदद हो जाए और वो अपनी बहन की दवाई ला सके टाइम। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें उसकी मदद करनी ही थी तो तुमने उसको डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दे दिए? ये क्या ड्रामा किया तुमने कि पहले तुमने मुझे डॉलर दिया और फिर उसके बाद मैं उसको दे के आई, फिर तुम उसके एक्सचेंज में तुमने उसको पैसे दे दिए, ये सब क्यों किया? डायरेक्ट उसको पैसे दे देते ना। मुझे मालूम ही था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगी कि तुमने उसकी डायरेक्ट हेल्प क्यों नहीं की, और तुम तो जानती हो ना मैं किसी की डायरेक्ट हेल्प करता नहीं, मैं चाहता हूँ कि सामने वाले की मदद भी हो जाए और उसे मालूम भी ना चले। और उससे भी अहम बात ये
कि उससे उसकी खुददारी पे भी ठेस नहीं पहुंचेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे कभी 3-4 हज़ार रुपए मुझ पे भी खर्च दिया करो, मैं भी 1-2 साड़ियां ले लूंगी, मुझे तो कभी नहीं रहते शॉपिंग के लिए। तुम तो पहले ही पर्स से पैसे निकाल लेती हो। हाँ चलो। चलो हेलो माँ। हाँ हाँ हम ठीक हैं, हम कह रहे थे कि पूरे पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ माँ पूरे 6,000 रुपए का। आप देखिए हम आज ही बिंदिया की सारी दवाइयाँ लेके पहुँचते हैं, ठीक है? अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है जी। हाँ हाँ भगवान जी ने सब ठीक कर दिया। चलिए ठीक है हम रखते हैं।